आप देख रहे हैं BHBC News। नमस्कार। देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, रोजाना हम ये अखबारों में पढ़ते रहते हैं, अलग अलग राज्यों के बारे में पढ़ते रहते हैं। दिल्ली में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। आज पहले तो मैं एक महत्वपूर्ण सूचना जो मुझे आपके बीच रखनी है कि कोरोना से घबराने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है, थोड़ा डर होना जरूरी है कि कोरोना हो सकता है, थोड़ा सेफ रखना अपने आप को जरूरी है कोरोना से बचाने के लिए, लेकिन इस तरह से मतलब किसी भी तरह के पैनिक में आने की जरूरत नहीं है। इस पे भी मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन उससे पहले आपके सामने डेटा रखना चाहता हूं कि कल कोरोना से दिल्ली में 13 डेथ हुई हैं। इसके साथ साथ 69 डेथ के मामले जो पुराने थे, किसी हॉस्पिटल में अलग अलग समय पर डेथ हुई और उनकी जांच उनके पूरी हमारी कमेटी ने जो जांच की या उन सब में या उन हॉस्पिटल से भी डिटेल मिली, वो और ऐड हुए हैं। तो ऐसे आप देखेंगे तो दिल्ली में होने वाली डेथ का जो टोटल है उसमें आज 82 डेथ एक्स्ट्रा दिखाई देंगी, लेकिन आज के बुलेटिन के हिसाब से जो कल डेथ हुई हैं एक्चुअली दिल्ली में, वो 13 डेथ हुई हैं कोरोना पीड़ित मरीजों की। बाकी जो 69 डेथ हैं वो पिछले 34 दिन में अलग अलग समय पे जहां हॉस्पिटल्स में डेथ हुई वहां की सूचना हमने सब इकट्ठी कराई, तब वहां से मिली हैं। इसमें से 52 मामले तो सफदरजंग हॉस्पिटल के थे, बाकी कुछ अन्य अस्पतालों के भी थे 69 में से, जो पिछले 34 दिन के अंदर वहां पे डेथ हुई लेकिन वो किसी कारण तक हम तक नहीं पहुंच पाई या उनकी आधी अधूरी जानकारी पहुंची, रिपोर्टिंग लेट की गई। तो लेट रिपोर्टिंग की वजह से वो कल की डेथ में रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, लेकिन कल की एक्चुअल जो डेथ है वो 13 है। वैसे टोटल डेथ में आप देखेंगे तो 82 की बढ़ोतरी हुई है पूरे दिल्ली के केसेस में। इस सब के बाद ये भी जानना जरूरी है कि दिल्ली में जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, मैंने कहा घबराने की बात नहीं है, वो इसलिए क्योंकि पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, पूरे देश में बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में भी बढ़े हैं, लेकिन दिल्ली में अच्छी चीज ये है कि पेशेंट्स ठीक भी हो रहे हैं। ठीक होने का रेट करीब करीब 50% है, 50% के करीब ठीक भी होते जा रहे हैं। और जो लोग पेशेंट बने हैं, जो लोग कोरोना से ग्रसित हुए हैं, उसमें भी देश में भी ये देखने को मिल रहा है, दुनिया भर में भी देखने को मिला है और दिल्ली भी इसका उदाहरण बनती जा रही है कि 80-90% लोग होम क्वारंटाइन में रहकर ठीक हो जा रहे हैं, रिकवर कर जा रहे हैं, हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग अगर कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनकी फैमिली में, उनके आस पड़ोस में पैनिक हो जाता है कि अब तो इनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती करा देना चाहिए। बिल्कुल पैनिक में ना आए। अगर कोई छोटा मोटा खांसी बुखार भी है या बिल्कुल कोई सिम्टम नहीं है, आपको हॉस्पिटल आने की कतई जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स की भी ये एडवाइस है, भारत सरकार की गाइडलाइंस भी यही है, आपको बिल्कुल हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। आप एकदम अपने घर में एक कमरे, अगर कमरा अलग से है तो कमरा कर लीजिए, उस कमरे में रह लीजिए आइसोलेशन में। कमरा नहीं भी है तो अलग, एक एक्सक्लूसिव कमरा नहीं भी अरेंज हो पा रहा है तो एक्सक्लूसिव बेड पे अपने रहिए। और ये समझ लीजिए, मैं सबको कहना चाहता हूँ, कई बार ये सुनने को मिलता है कि आस पड़ोस में भी लोग पैनिक में आ जाते हैं, मेरे पास भी बहुत मैसेज आते हैं हमारे पड़ोस में कोरोना पेशेंट निकला है, कुछ करिए, उसको ले जाइए। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो कोई छुआछूत का ऐसा रोग नहीं है कि आपके आसपास में कोरोना हो गया और बस उड़ के आपके पास आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आने वाला है। इवन आपके घर में भी अगर किसी को कोरोना है, कई लोग मुझे कहते हैं जी हम उस हमारे छूने से हो जाएगा, छूने से कोरोना नहीं होता है, कोरोना किसी तरह के इनटेक से होता है, वो भी तब जब कि आप उस कोरोना ग्रस्त व्यक्ति के किसी तरह से उसके जो उसके ड्रॉपलेट्स हैं उनको, थूक के ड्रॉपलेट्स को टच करें और उसको मुंह से या आंख से या नाक से किसी तरह से उसको इंटेक में ले लें, तब कोरोना होता है। ऐसा नहीं होता कि कोरोना वाले को छू दिया आपने तो आपको कोरोना हो गया, या कोरोना के ग्रस्त व्यक्ति का आपने कोई बर्तन उठा के इधर से उधर रख दिया, उसने चाय पी थी और आपने इधर से उधर रख दिया, कोरोना हो जाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं। जब तक आप, अगर आप हाथ धो लेंगे तो बिल्कुल कोरोना आपके पास नहीं आएगा।
इसीलिए मैंने कहा कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। कई बार पैनिक कॉल्स आती हैं बहुत ज़्यादा कि साहब कोरोना हो गया है, आप हॉस्पिटल भिजवाइए। बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है, आप घर में रह के भी ठीक हो सकते हैं। 80-90% लोग घर में बैठ के, घर में रह के आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। दूसरा, सरकार की भी तैयारी है, उस पर अभी सत्येंद्र जी आपके पास बात रखेंगे कि किस तरह से सरकार की तैयारी है। लेकिन मूल बात यही है कि कोरोना के मामले ठीक हो रहे हैं। अच्छी बात यह है, भारत में और दिल्ली में विशेषकर आधे से ज़्यादा लोग जितने कोरोना से ग्रसित हुए ठीक हो चुके हैं, और होम आइसोलेशन में रह के एक बहुत बड़ी संख्या में लोग ठीक हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ने विशेष व्यवस्था की है कि अगर आप कोरोना ग्रसित हुए हैं, टेस्ट में पॉजिटिव आए हैं और आपका रिकॉर्ड अगर हमारे पास में है, तो फिर सरकार की ओर से आपको काउंसलिंग की जाती है, सरकार की ओर से आपके परिवार को काउंसलिंग की जाती है। तो उस वो इन्हीं बारे में है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी और क्या डेटा है उस पर सत्येंद्र रखेंगे, और कैसे सरकार की तैयारी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में अब तक कुल 17,386 पॉजिटिव केसेस हैं, जिसमें से जो कल 24 घंटे में आए हैं 1,106 केसेस नए ऐड हुए हैं। रिकवर्ड जो लोग हैं दिल्ली में 7,846 लोग इस बीमारी से ठीक बिल्कुल हो चुके हैं, जिसमें 351 लोग कल ठीक हुए हैं। और जैसा कि अभी बताया मनीष जी ने कि टोटल डेथ दिल्ली में अभी तक 398 हो चुकी हैं, इसमें 13 डेथ 27 तारीख की हैं और बाकी जो डेथ हैं उससे पहले की हैं। जो हमारा हेल्थ बुलेटिन है उसमें 82 डेथ्स आज बताई जाएंगी, जिसमें से सभी डेथ्स जो हैं 32 अलग अलग डेज की हैं। 13 डेथ हैं 27 तारीख की और बाकी डेथ उससे पुरानी हैं। अगर चाहें तो मैं आपको कुछ बता सकता हूँ, जैसे 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सभी दिनों में एक 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 डेथ हुई है। तो दिल्ली के अंदर लगातार कई दिनों की डेथ थी, जिसमें सफदरजंग हॉस्पिटल की 52 डेथ ऐसी हैं जो कि बहुत काफ़ी पुरानी थी, जिनको उन्होंने हमारे को दो दिन पहले दिया, जिसको ऑडिट करके सारी की सारी डेथ को इसमें ऐड कर दिया गया है। मैं तैयारियों के लिए आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली में लगभग 2100 लोग अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट हैं और हमारे पास अब 5000 से कुछ ज़्यादा बेड हॉस्पिटल्स में हैं, जिसमें 1400 बेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर और बाकी 3700 के करीब सरकारी हॉस्पिटल्स में है, जिसको लगातार हम इंक्रीज़ कर रहे हैं कैपेसिटी को। हमारा जो प्लान है हिसाब से कि जितने पेशेंट हॉस्पिटल में, कम से कम उससे दुगने बेड जरूर होने चाहिए अभी, और उसी हिसाब से हम तैयारियां चला रहे हैं। दिल्ली के अंदर जो वेंटिलेटर्स के ऊपर पेशेंट हैं वो भी अभी 28 के करीब हैं, और वेंटिलेटर जो डेडिकेटेड किए गए हैं कोविड के लिए वो 300 से ऊपर हैं। तो अभी मेरे, जैसे मनीष जी ने कहा कि अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा अगर आप कोरोना से ग्रसित हैं तो एक तो तीन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, पब्लिक में कभी भी जाना आना पड़े तो मास्क जरूर लगाइए, और तीसरा बार बार साबुन और पानी से हाथ धोइएगा। आप अगर इन्फेक्टेड हो गए हैं तो घर में अलग कमरे में आराम से रह सकते हैं, और लगभग इसको 2 हफ्ते लगते हैं ठीक होने के अंदर, और ज़्यादातर लोग बिना किसी। आप देख रहे हैं BHBC न्यूज़।